चलिए शुरू करते हैं हमारी उपमा बनाने की रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें जो है रवा, जिसे हम कहते हैं ना सूजी, वो ले लेनी है। उसे हम अच्छे से छान लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे एक कटोरी सूजी, उसे हम अच्छे से छान लेंगे। एक या दो कटोरी आपको जितना लगे उतना ले लीजिएगा। उसे अच्छे से छानने के बाद उसे भूनना है, क्योंकि हम दुकान से जो है मार्केट से डायरेक्ट लाते हैं तो उसे छानना ज़रूरी होता है। कभी उसमें यानी किसी प्रकार के कीड़े या फिर कुछ भी यानी लग जाता है तो वो निकल जाते हैं, गुठलियाँ वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए उसे छानना है। और उसके बाद जो है एक बर्तन में भूनने के बाद में एक बर्तन में जो है हमें उसे निकाल लेना है, उसे ठंडा होने देना है। तब तक कि हम भगोने में जो है तेल डाल लेंगे, 3 चम्मच तेल। हमने हमारे प्याज टमाटर वगैरह, टमाटर आपको डालना हो तो डालिए, वरना मत डालिए, आपकी मर्जी, ठीक है। धनिया वगैरह हमने काट के रखा है और ये हमारे मसाले भी तैयार है। इसमें हम राई डाल देंगे पहले, राई जो है वो गरम तेल में डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं हमेशा कमी इसमें रखती हूँ, तो ये देखिए जैसे कि हमारी राई जो है वो अभी अच्छे से मिल चुकी है। इसमें हम अभी डालेंगे प्याज और मिर्ची, हरी मिर्च डालेंगे और प्याज, इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें कड़ी पत्ता भी डालेंगे। इनसे हम कड़ी पत्ता भी जो है धोने के बाद ना अच्छे से देख लेना है, निकाल के फेंक देंगे, बाकी डाल देंगे। जो ख़राब पत्तियाँ होती हैं ना उसे नहीं डालना है। कड़ी पत्ते से जो स्वाद आता है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे हमारा पेट दर्द वगैरह चला जाता है। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे जैसे ब्राउनिश कलर आते तक, प्याज ओनियन जो है ब्राउनिश होते तक। तो ये देखिए ये तो ब्राउनिश हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम इसमें जो है हमारे टोमेटो डाल देंगे, देख सकते हैं आप। मैंने करी लीव्स जो है जो ख़राब हो गई थी मीठी नीम, उसे हमने निकाल दिया है। हम टोमेटो को भी जो है बहुत ही अच्छे से, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी घर पे ही हम टोमेटो कैसे उगा सकते हैं, और ये वही के फ्रेश टोमेटो है, एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक। यानी मार्केट में जो यानी केमिकल्स वगैरह डाल के उगाए होते हैं ना, जो हमें कभी भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उससे भी अच्छे है यार। आप अगर 3 पौधे भी लगा लो ना घर पे, तो आपको रोज़ के 2 टमाटर तो मिलने ही हैं, वो भी अच्छे खासे। अच्छा टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो हम इसे भी जो है अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपको देखना हो कि यानी हमने टोमेटो कितने सारे उगते हैं एक पौधे पर, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी होगी वीडियो की, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी से ही पीला रंग आता है। अगर आपको सफ़ेद उपमा चाहिए हो तो आप हल्दी पाउडर मत डालिए। हल्दी पाउडर डाल दिए हमने 2 चम्मच। और नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे।
अभी हमने इसमें अपना भुना हुआ जो एक बर्तन में हमने निकाला था ना सूजी, उसे डाल देंगे। और उसे अच्छे से मिलाना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालना है क्योंकि ताकि हमारी जो सूजी है वो थोड़ी सी पक जाए। और अगर आपको अगर गीला उपमा चाहिए हो उसके बाद में भी, अगर आपको गीला उपमा चाहिए हो तो आप उसमें और पानी ऐड कीजिएगा, अगर नहीं चाहिए हो तो आप ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही मतलब पानी डालना है। एक गिलास पानी तो बहुत होता है यार सूजी को पकने के लिए। इसे अच्छे से मिला लेना है और उसे कम से कम 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए हमें ढक के रख देना है। उसके बाद हमारी सूजी बिल्कुल फूल जाएगी यानी सॉफ्ट हो जाएगी और अपना हमारा उपमा जो है वो तैयार हो जाएगा। हमें सूखा उपमा पसंद है तो हम ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे, 1 गिलास पानी डाल रहे। अगर आपको गीली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालिएगा। जैसा आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह से मिला लिया है। अभी इसे हम ढक कर जो है 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद सर्व करेंगे और उस पर डालेंगे हरा धनिया। धनिया से जो है उसका जो कलर है वो बहुत अच्छे से आता है, इसलिए धनिया जो है वो मस्त है। धनिया की खुशबू भी आती है यार, बढ़िया होता है धनिया। और धनिया भी हम घर पर उगा सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक। जैसा आप देख पा रहे होंगे हमने अभी डाला है धनिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए।